फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे सेवंथ क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डेजर्ट्स क्या होते हैं। डेजर्ट एक ऐसा एरिड रीजन है, एरिड का मतलब होता है सूखा इलाका, जिसमें बहुत ही हाई या लो टेम्परेचर होता है और वेजिटेशन जो होती है वो बहुत ही स्केर्स या बहुत ही कम होती है। अगर दुनिया में हम लोग बात करें तो हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। जो सबसे पहला हमारा हॉट डेजर्ट है वो है सहारा। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज को टच करता है। इसकी क्लाइमेट के बारे में बात करें तो उसमें स्कॉर्चिंग हॉट और पार्च ड्राई है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी होती है, यहाँ रेनी सीजन जो होती है वो बहुत कम होती है। फ्लोरा, इसका मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे फूल वगैरह लगते हैं उनके बारे में बात करें तो उनमें मुख्यतः कैक्टस, डेट पॉम्स और एकेसिया है। और इसकी फोना के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब इसमें जो इतने एनिमल्स मिलते हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो वो कैमल्स, हिएनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और कई प्रकार के स्नेक्स और लिजर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में बात करें तो यहाँ नोमेडिक ट्राइब्स है। नोमेडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे विशेष दो नोमेडिक ट्राइब्स है, उनका नाम है बेडोइंस और टोरेक्स। ये जो नोमेडिक ट्राइब्स है वो सारे जानवरों को पालते हैं, जैसे गोट्स, शीप, कैमल और हॉर्सेज, और इसी के साथ साथ में बहुत ही हैवी क्लोथ्स या भारी कपड़े ये पहनते हैं। सहारा डेजर्ट और नाइल वे जो कि इजिप्ट में है, वहां पे ओएसिस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में पानी देख सकते हैं, इसे हम लोग ओएसिस कहते हैं। और ये ओएसिस जो है वो सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स लगाई जाती हैं जैसे कि राइस, वीट, बार्ले और बीन्स। और यहीं पे वर्ल्ड का जो फेमस इजिप्शियन कॉटन मिलता है वो भी ग्रो करता है। इस इलाके में जो ऑयल की डिस्कवरी की गई है जो कि मुख्यतः अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में देखने को मिलती है, उसके कारण से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के कारण से सहारा डेजर्ट है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म या एक नया रूप लेता जा रहा है। यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल्स जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम भी देखने को मिलते हैं। ऑयल के कारण से ही यहाँ पे इतनी ग्रोथ हो गई है कि आपको बड़े बड़े चमकते हुए ग्लासेस वाले ऑफिसेज और बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती है। बहुत ही शानदार मॉस्क यानी मस्जिद मिल सकती है। और जो पुराने केमल के चलने वाले जो रास्ते हैं वहां पे बड़े बड़े सुपर हाईवेज बन चुके हैं। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो ग्रेट हिमालयाज और जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है। इसके नॉर्थ में कैराकोरम रेंज और साउथ में जंस्कार माउंटेन्स है। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इंडस है। यहाँ की फ्लोरा की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम ग्रास के पैचेज या गुच्छे आपको मिलेंगे और एनिमल्स को चरने के लिए बहुत ही कम श्रब्स या झाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे विलोज और पॉपुलर्स के ग्रोव्स या झुंड आपको देखने को मिल सकते हैं। समर टाइम में यहाँ पे कुछ फ्रूट ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकोट्स और वॉलनट्स। यहाँ की फोना की अगर बात करें तो इनमें जो बर्ड्स हैं वो रोबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन और होपी है। लेकिन यहाँ की एनिमल्स की अगर बात करें तो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक और कई प्रकार के स्पेशल डॉग्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ के लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लोग देखने को मिलते हैं। और वास्तव में यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। और उसी के साथ में इनके जो ट्रेडिशनल गोम्पाज जो कि पुराने इनके धार्मिक तीर्थ स्थल है या धार्मिक मंदिर है वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ फेमस जो इनकी मोनेस्ट्रीज है वो हेमिस, थिक्से, शे और लामायरू है। समर के समय में यहाँ पे बार्ले, पोटेटोज, पीज, बीन्स और टर्निप की खेती की जाती है। और विंटर के समय में यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। टूरिज्म की अगर यहाँ बात करें तो टूरिस्ट जो है ना केवल इंडिया से बल्कि एब्रोड से भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो विशेषतः यहाँ के गोम्पाज और मिडो जो कि बड़े बड़े चारागाह हैं और ग्लेशियर्स है
उनके यहाँ ट्रेकिंग करने के लिए आते हैं, और उसी के साथ साथ में विंटर में मनाई जाने वाली जो सेरेमनीज और फेस्टिविटीज है उनको भी वो देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये इस चैप्टर की शॉर्ट समरी थी। अगर आप चाहें तो इस चैप्टर का जो डिटेल्ड वीडियो है वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।